तो हेलो देयर, दिस इज कृष्णा और मैं आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल में। अब क्या देखेंगे बेटा, पिछले एपिसोड्स में हम लोग ने देखा था कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स होते क्या हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशंस थोड़े से रह गए थे। अब इस एपिसोड में हम लोग न्यूलैंड्स और मेंडेलीव्स दोनों के मैरिज डीमैरिज भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देखते हैं। फर्स्ट देखो बेटा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ऑक्टेव्स डाल देते हैं डायरेक्टली। ऑक्टेव्स डाल देते हैं, ठीक है। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स जो है, अगर मैं बोलूं फर्स्ट सीरीज उनकी थी, देखो, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, है ना। तो उसके हिसाब से क्या था बच्चा, पहला वाला और लास्ट वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम थी। ऐसी सेकेंड सीरीज उनकी थी फ्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फरस और सल्फर। तो इसके हिसाब से सल्फर और फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज सेम थी। तो क्या देखो यार, प्रैक्टिकल चीज लगती है क्या, ऐसा हुआ होगा क्या, ऐसा हो सकता है क्या एक्चुअल अकॉर्डिंग टू, मतलब अगर आज के प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से देखा जाए तो। उसके बाद क्लोरीन पोटेशियम कैल्शियम क्रोमियम, फिर बाद में एक और है इधर पे टाइटेनियम, उसके बाद मैंगनीज और फेरस, उसके बाद कोबाल्ट निकल एक ही जगह पे रख दिया था, ओके, कॉपर जिंक, उसके बाद एक नया एलिमेंट, नया नहीं बोलेंगे, एक अननोन एलिमेंट है जिसे वाई, एक्चुअली आई थिंक सो ये आर्टिफिशियल एलिमेंट है, इंडियम आर्सेनिक और सिलेनियम, देन बी आर आर बी एस आर सी ई एंड एल ए, और लास्ट में जर्कोनियम जेड आर, ठीक है। और ये कुछ एलिमेंट्स थे, इस वजह से मतलब आप देखो यहाँ पर ही आप लोग देख रहे होंगे टेबल्स में कि कुछ कुछ जगह क्या है, मतलब दो दो एलिमेंट्स एक साथ रखे गए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, मतलब एक साथ दो एलिमेंट और वो भी अलग अलग टाइप के कैसे रख सकते हैं, जैसे कोबाल्ट और निकल दोनों भी मेटल्स ही है, ओके, लेकिन रख दिए। अब प्रॉब्लम्स इश्यूज कैसे आए थे देखते हैं, मैनी लिमिटेशंस, बहुत सारे उन्होंने लिमिटेशंस फेस करे। उसके बाद में ये लॉ सिर्फ कैल्शियम तक ही सीमित रहा, मतलब कैल्शियम तक ही ये लॉ एप्लीकेबल था। तो देखो लिमिटेशंस लिख देते हैं, है ना। लिमिटेशंस कहां तक आएंगे बच्चों, फर्स्ट ये जो लॉ था ना बच्चा, ये सिर्फ था एप्लीकेबल एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, है ना। ये फर्स्ट इसका लिमिटेशन था कि ये लॉ जो है ना बच्चा, ओनली कहां तक अप्लाई हो सका, कैल्शियम तक। उसके बाद में अब न्यूलैंड ने क्या किया, हर नोन एलिमेंट को 7x7 मतलब टोटल कितने 56 बॉक्स में फिट कर दिया, कितने 7x8 के उसने क्या किया 56 बॉक्सेस में उसने उसको फिट किया। और उसके बाद देखो अब हर एलिमेंट, देखो आप गर्दा हो रहा था भला क्या, हर एलिमेंट जो था ना फिट नहीं हो पा रहा था प्रॉपर्टी वाइज उसके इसमें। उसके बाद में देखो जैसे कोबाल्ट निकेल है ना, सीई हो गया और एलए हो गया लैंथेमम, है ना। तो ये जो एलिमेंट्स थे ये प्रॉपर्ली फिट नहीं हो रहे थे। और न्यूलैंड ने क्या किया, कुछ कुछ जगह देखो जैसे कोबाल्ट और निकेल ये दो एलिमेंट्स हैं एक जगह पे फिक्स कर दिए, डो में फिक्स किया उसको, जैसे डो रे मी फा सोला थी जैसे सारे का, तो उसको सा में रख दिया, है ना। उसके बाद जो अब सा में थे, देखो ऊपर वाली सीरीज अगर आप देखोगे तो वो नॉन मेटल्स थे, और नॉन मेटल्स की कॉलम में उसने क्या कर दिया, मेटल्स को अरेंज कर दिया,
तो ये एक टाइप का लिमिटेशन हो गया। तो देखो फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ ही कैप्ट मेटल्स लाइक कोबाल्ट एंड निकेल इन कॉलम ऑफ डो। डो मतलब वो फर्स्ट साउंड, ओके, विच कंसिस्टेड नॉन मेटल्स। वो पूरा का पूरा कॉलम ही नॉन मेटल का था, अब उसमें उन्होंने लेके आ गए मेटल्स, तो ये एक प्रॉब्लम्स हो गई, नॉट एक प्रॉब्लम्स हो गई, एक प्रॉब्लम हो गई, है ना। उसके बाद देखो आगे भी बहुत अच्छा डिस्कशन है इसके बारे में। अब देखो अलोंग विथ हैलोजन, अब फेरस को क्या किया टाइटेनियम के, देखो फेरस और टाइटेनियम के साथ भी इसने घफला कर दिया कुछ। फिर न्यूलैंड ने क्या किया, उस समय न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स को कहाँ रखना, ये भी एक प्रॉब्लम हो गया था उसके लिए, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि देखो मेंडलीव और जो न्यूरॉन बोल रहा हूँ मैं, न्यूलैंड्स के बीच में एक फर्क क्या था, न्यूलैंड्स ने क्या किया पता है क्या, न्यूली फाउंड एलिमेंट्स को प्रॉपर तरीके से, सॉरी ये अगर आपको लिखना होगा तो, न्यूलैंड्स ने क्या किया था, प्रॉपर तरीके से उसको क्लासिफाई नहीं किया था एलिमेंट्स को, क्योंकि उस समय ज़्यादा एलिमेंट्स नोन नहीं थे, और जैसे जैसे आगे डिस्कवरी हो रही थी तो उसके वो टेबल में न्यू एलिमेंट्स फिट नहीं हो रहे थे, है ना, क्योंकि जगह ही नहीं छोड़ी थी। फिर कुछ कुछ ग्लिचेस उसके टेबल में ऐसे थे कि उसने क्या किया था, नॉन मेटल्स के साथ मेटल्स को रख दिया, मेटल्स को नॉन मेटल्स, मतलब नॉन मेटल्स और मेटल्स एक जगह रख दिए, है ना, जो जबकि उनकी प्रॉपर्टीज मेल नहीं खा रही थी, स्टिल उसने क्या किया, जैसे तैसे कर दो यार, बस पैक करो सूट केस को, कर दिया। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक इश्यूज हो गए। तो इस वजह से अगला जो चरण था उसमें जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था सर दिमित्री मेंडलीव, और ये मेंडलीव थे ना, इन्होंने ज़्यादा टेंशन नहीं लिया, न्यूलैंड्स के ही जो टेबल था उसका, है ना, उसी को इम्प्रूव करते हुए उन्होंने क्या किया पता है क्या, एलिमेंट्स को तब तक एक के बाद एक प्लेस करते गए जब तक लास्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट से मेल नहीं खाती। और उनके भी अकॉर्डिंग क्या था, मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन सी है एलिमेंट की, वो है उसका एटॉमिक मास, है ना, मतलब यार सब एक जैसे सोच रहे थे। और जब तक देखो यार हमेशा याद रखना एक बात, जब तक हम एक जैसा सोचते रहेंगे ना तब तक हमको न्यू चीज कभी नहीं मिलेंगी, बस हम क्या करते रहेंगे, कॉपी करते रहेंगे, जस्ट इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, जस्ट चलते रहेंगे भेड़ बकरियों के जैसे। लेकिन अगर कुछ नया करना है ना, कुछ भारी जबरदस्त करना है, तो हमको हट के सोचने की जरूरत होती है। और यही चीज आगे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, मतलब उसकी जो डिस्कवरी थी उसके साथ हुई। तो वो क्या था वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो अभी सबसे पहले अगर देखा जाए, अब आए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। मेंडलीव इनका पीरियोडिक टेबल लगभग अच्छा ही था, लेकिन क्या है कुछ कुछ रीजंस की वजह से ये टेबल भी थोड़ा सा फ्लॉप की तरफ चला गया। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, टाइमर कहाँ से आ गया अचानक, शायद किसी ने टाइमर का टाइम्स, मतलब किसी ने ऐसा टाइम के पीछे से, टाइम के पीछे से नहीं, किसी ने पास से हमको कॉल करने की कोशिश की थी शायद, इसलिए बोर्ड पे अचानक से टाइमर लग गया था, क्या पता किस चीज़ का टाइमर था ये, है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसा लेकिन कुछ नहीं है ना। अब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आया, तो मेंडलीव बाबा की सबसे पहले लगाएंगे जय। और मेंडलीव बाबा ने क्या किए थे पता है क्या, मेंडलीव अरेंज्ड, इन्होंने भी क्या करा, अरेंज्ड
एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. Increasing order of their atomic mass. And after certain intervals, उन्होंने ये पाया कि last element और first element की properties जो थी ना दोस्तों, ये रिजेंबल कर रही थी, व्हाट दे वर जस्ट रिजेंबलिंग. और यहां से ही मतलब उनके पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा मतलब गैप्स वगैरह अच्छे खासे रखे थे उन्होंने, क्योंकि भाई नया एलिमेंट आया तो मतलब अच्छा सोचते थे भाई, कोई नया मेहमान आ गया तो खाना थोड़ा सा रखते ना पीछे, पूरा ही नहीं खाते है ना. तो इसीलिए उन्होंने ये चीज रखी और दिमाग में ये रखा कि नहीं, न्यू एलिमेंट्स जब डिस्कवर होंगे तो इसके लिए. और एक और चीज़ा, उन्होंने प्रॉपर्टीज पहले से प्रेडिक्ट करके रख ली थी कि नए एलिमेंट्स होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज कैसी हो सकती है. और गजब की बात तो ये, चलो बहुत अंतर्यामी आदमी था, गजब की बात तो ये, जब वो एलिमेंट्स फाइंड हुए, डिस्कवर हुए, तो लगभग दे ऑलमोस्ट उनकी प्रॉपर्टी सेम निकली. ठीक है, यही सबसे बड़ी चीज. देखो यार, साइंटिस्ट लोग नहीं है, थोड़े से फ्यूचरिस्ट भी होते हैं, मतलब पहले से सोच के रखते कि आगे क्या होने वाला है, मतलब पता नहीं यार, जबरदस्त. तो आप लोग के अंदर भी कोई एक साइंटिस्ट है तो यार, मॉडर्न पीरियोडिक के बाद आप भी कोई नया पीरियोडिक टेबल निकाल लेना, कुछ अलग सा सोच के निकाल लेना, है ना. तो अब देखो उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली, है ना. और अब ये इसको मैं व्हाइट मार्कर से लिखता हूँ, इधर पे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली उन्होंने अरेंज कर दिया. और ये पाया कि आफ्टर एंड फाउंड आउट दैट एंड ऑब्जर्व्ड दैट, बोलेंगे चलो ठीक है, एंड ऑब्जर्व्ड दैट आफ्टर सर्टन इंटरवल properties of last element resembled that of first. Properties of last element resembled that of first. And this was Mendeleev's periodic table. What Mendeleev's periodic table says, what he did, he arranged elements according to increasing order of their atomic masses. And he found that after certain intervals, last element's periodic property and that of first resembled. यानी वी कैन से इट इज लाइक न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बट द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ इट. ओके, सो ये था. अब इसमें भी तो कुछ लफड़े होने वाले थे ना, अकॉर्डिंग टू हिम. अब देखो मेंडेलीव्स के हिसाब से क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव्स द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज इट्स एटॉमिक मास. व्हाट इट इज Atomic mass, according to him, most fundamental a
मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज इट्स एटॉमिक मास। अगर हम देखा जाए तो ऑल, या फिर अगर इसको एक अलग सेंटेंस में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक्स, अगर देखा जाए प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ अकॉर्डिंग टू हेम, थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसका मतलब मोस्ट फंडामेंटल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी एटम की प्रॉपर्टीज के लिए, वो है उसका एटॉमिक मास, यानी उसकी जितनी भी गुणधर्म है, उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है या प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज बोलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलो, दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक मास। और यही था किसका कहना, ये था कहना मेंडलीव का, ठीक है। आर पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, ये मेंडलीव का कहना था, समझे भाई और बहना, ये था मेंडलीव का कहना। और ये साइंस को है हमको एग्जाम तक सहना या फिर पूरे करियर तक सहना, और सहने से अच्छा इसके साथ अगर खेला जाए रादर देन इसको झेला जाए तो भी बहुत मजा आने वाली है अगली लाइफ में, ठीक है। अगली मतलब आगे की लाइफ में, नॉट अगली मतलब अगले जन्म में नहीं है, तो रॉन्गली ले लेते हैं आजकल बच्चे, है ना। तो अगली आगे के लाइफ में आप लोग को तो बॉडी मतलब अच्छा लगेगा, मतलब पैशनेट हो जाओ थोड़ा सा साइंस के लिए। साइंस के लिए जितना पैशनेट होंगे ना, उतना ज़्यादा नहीं दिमाग के ढक्कन खुलने वाले हैं, और जितना ज़्यादा दिमाग के ढक्कन खुलेंगे ना, उतना सोचने की एबिलिटी बढ़ेगी। जितना ज़्यादा सोचोगे, मतलब ज़्यादा भी नहीं सोचना है, पागल नहीं होना है अपने को। आइंस्टाइन मतलब आइंस्टाइन जी वो पागल नहीं थे एक्चुअली, बस उनका सोचने का नज़रिया अलग था और लोगों का देखने का पर्सपेक्टिव डिफरेंट था। नहीं तो वो सबसे ज़्यादा लेजेंडरी ह्यूमन ऑन दिस प्लैनेट भी बोलाता है, अकॉर्डिंग टू मी, जो साइंस लवर्स है ना उनको आइंस्टाइन बहुत पसंद आएंगे, और जो मतलब यार चाहे ईजी लो यार लाइफ जीनी है नॉर्मल अपनी को, तो उनको साइंस जैसे आइंस्टाइन न्यूटन्स ये वो मतलब आप लोग को थोड़े हेडेक लगेंगे, बोलेंगे काय को जन्मे थे ये, है ना, किस लिए जन्मे थे, इनका पर्पस क्या था। लेकिन देखो बच्चों, इन्होंने ह्यूमैनिटी को चेंज किया, है ना, इन्होंने हम लोग को जीने का एक अलग रास्ता बताया। जितनी भी इन्वेंशंस है ना, जैसे स्टीव जॉब्स को देख लो यार, है ना, एप्पल को लेके आए, बहुत सारी चीज़ें की लाइफ में। हमेशा हमने क्या करना चाहिए, देखो सोचने का, मैंने पहले भी आपको बोला ये चीज़, पहले भी आपसे ये कहा मैं कि सोचने का नज़रिया जैसे बदल जाएगा, अगर हम सबके जैसा करेंगे तो सबके जैसा ही रिजल्ट मिलेगा। अगर हम थोड़ा सोचने का नज़रिया चेंज करें, थोड़ा सा सोच मतलब एक अलग सा कोई अलग कुछ करें, है ना, कुछ नया, जब जाके क्या होने वाला है, हम लोग के पास में कुछ न्यू थिंग आएगी, मतलब न्यूली न्यूबीज आएंगे अपने पास में, है ना। और यही चीज़ करनी है, और वही लोग ये दुनिया चेंज कर देते हैं, है नहीं। देखो यार, इतने सारे कंपनीज थे साले, इतने सारे कंपनीज थे, ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, इतने सारे कंपनीज थी देखो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में, मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन जब जियो आया तो एक लहर लेके आया। बहुत सारी कंपनीज थी जिन्होंने हमको जस्ट लूटना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जस्ट हमको इंडियंस को मोस्टली क्या किया पता है क्या, बेवकूफ़ बनाते गए, है ना, थोड़ा सा दिमाग के साथ खेल रहे। आज आप लोग ये वीडियोस देख रहे हो, ऑल थैंक्स टू जियो, है ना। जियो है तो सस्ता डेटा हुआ, अगर डेटा सस्ता हुआ तभी तो आपको ये वीडियो मिल रहा है ना। तो उस समय पहले यूट्यूब चालू करने के तो लोडिंग लोडिंग लोडिंग, आधी जिंदगी की तो पूरी लोडिंग देखते देखते निकल जाती। लेकिन जैसे जियो आया वैसे उन्होंने क्या किया बताया, कि मतलब सोच बदल दी, उन्होंने ये देखा कि लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है। तो आप लोग भी क्या करें, लोगों की प्रॉब्लम्स देखें, तभी सॉल्यूशंस नए नए दिमाग में आएंगे, और एक नई चीज़ बोल नहीं सकते लाइफ में आ सकती है। तो चलिए बैक टू द टॉपिक, अगर हम देखें तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है एटम की, सॉरी एटम की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट किस पे होती है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव,
एटॉमिक मास पे डिपेंड होती है। किस पे डिपेंड होती है बच्चों? एटॉमिक मास पे डिपेंड होती है, और इसीलिए मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा चल पाया, लेकिन बाद में इसके भी क्या हुए थे, आप देखो इसमें मेरिट्स क्या थे और डीमेरिट्स क्या थे, ठीक है ये डिस्कस कर लेते हैं हम लोग पहले। अब इसमें भी देखो यार, हर चीज़ बनती है ना, इसके दो चीज़ होती है, मतलब हर कोई भी चीज़ नवी आई ना, तो इसमें दो सिचुएशंस होना तय है। एक तो इसके एडवांटेजेस होंगे, दूसरे डिसएडवांटेजेस होंगे। अगर मान लो रातों रात आपको कोई मकड़ी काटती है और आप स्पाइडरमैन बन जाते हो, है ना, इसके साथ आपके साथ में आप दो दो सिनारियोज हो सकते हैं। पहला तो यार एडवांटेज, आपका क्या एडवांटेज है सोसाइटी में, और दूसरा आपसे क्या डिसएडवांटेजेस है सोसाइटी को। अगर ये दोनों का रेशियो प्रॉपर चला तो यार चीज़ें झंड नहीं होगी, लेकिन अगर ये थोड़े ऐसे बैलेंस्ड हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया पूरा, ऐसा ऊपर नीचे हो गया, तो आपका भी नो वे होम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। उसके बाद में अगर आपको बोलूँ कि देखो अब देखते हैं इसके हम क्या देखते हैं, नहीं, पहले क्या करेंगे, मेरिट्स लिखेंगे। अच्छी चीज़ हमेशा ऑलवेज गो फॉर द बेस्ट, मेरिट्स, और यहां लिखते हैं डीमेरिट्स। है ना, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स में क्या आएगा ये देखते हैं। मेरिट्स में देखो, जो प्रीवियस एटॉमिक और पीरियोडिक टेबल्स थे उसका इन्होंने क्या कर दिया था पता है क्या, एकदम जबरदस्त काम कर दिया था, मतलब थोड़े से ग्लिचेस उसके सॉल्व कर दिए थे। और उन्होंने क्या किया बताया क्या, मेरिट्स में क्या आएगा इसमें देखो, अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू दिस बुक, बुक तो वैसे है नहीं यहाँ पे, थोड़े से हमने इजी वे में आप लोग के लिए नोट्स तैयार करके रखे हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू द बुक और अकॉर्डिंग टू द नोट्स अगर हम देखें, और अकॉर्डिंग टू आर थिंकिंग्स ऑल्सो, प्रीवियस पीरियोडिक टेबल के ग्लिच निकाल देना बोले तो क्या होता है बच्चों, प्रीवियस पीरियोडिक टेबल्स में जो मिस्टेक्स थी, एटॉमिक नंबर्स को उन्होंने, एटॉमिक मासेस को उन्होंने अच्छे से रिवाइज किया और फिर प्रॉपरली उसको पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया, ठीक है। तो देखो ऐसे लिखा है, एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स वर रिवाइज्ड, तो हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मासेस वर रिवाइज्ड, और फिर कॉमा लगा के लिख देंगे प्रॉपरली प्लेस्ड। प्रॉपरली है ना, उसको उन्होंने क्या किया, प्रॉपरली प्लेस किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया बताया क्या, जो अननोन एलिमेंट्स थे उसके लिए एम्प्टी स्पेसेस या फिर गैप्स छोड़ दिए, ठीक है। यानी उन्होंने एलिमेंट्स विद, अगर हम देखें तो एटॉमिक मासेस जो थे, अब फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, उन्होंने वैकेंट प्लेसेस रख दिए, लेफ्ट वैकेंट प्लेसेस, नेक्स्ट क्या आएगा, लेफ्ट वेकेंट प्लेसेस, ही लेफ्ट वेकेंट प्लेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, यानी उस समय जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनको क्या किया उन्होंने, उसके लिए वैकेंट प्लेसेस उन्होंने रख दिए, है ना। उसके बाद अगर मैं डिस्कस करूं थोड़ा सा, नोबल गैसेस भी उस समय नहीं थी, तो उसके लिए उन्होंने अलग सा स्पेस बना दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, रिजर्व जो करा, देयर वर नो प्लेस फॉर नोबल गैसेस, तो उन्होंने क्या किया, नोबल गैसेस को एक अलग ग्रुप में डाल दिया जिसको नाम दिया गया जीरो ग्रुप, प्लेस्ड, बेचारे इधर उधर भाग रहे थे तो उन्होंने उसको घर दिया, प्लेस्ड नोबल गैसेस। एंड नेम्ड इट एज सेपरेटली, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, सेपरेटली
सेपरेटली, और इसी सेपरेटली ग्रुप को हमने क्या, उन्होंने नाम क्या दिया है, जीरो, क्या नाम दिया बच्चों उन्होंने, जीरो ग्रुप नाम दिया। इसको थोड़ा सा ऐसा ऊपर ले लेते ताकि आप लोग को विजिबल रहेगा ये उनके मेरिट्स थे, है ना। अब मेरिट्स तो डिस्कस कर लिए, डीमेरिट्स भी देख लेते हैं, है ना। अब डीमेरिट्स भी देख लेते हैं, डीमेरिट्स क्या है, हाइड्रोजन का क्या करें, है ना। ससुर हाइड्रोजन भरा परेशान कर रहा है, क्या करें उसका, ये प्रॉब्लम था। मतलब हाइड्रोजन क्या कर रहा था पता है क्या, दोनों भी टाइप की प्रॉपर्टी शो कर रहा था, कभी कभी एल्कली जैसी, कभी कभी मेटल्स की जैसी। तो उस वजह से उसको क्या रखना चाहिए एग्जैक्टली, ये उनको नहीं समझ आ रहा था। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, है ना। हाइड्रोजन क्या कर रहा था हमने जैसे अभी बताया, ठीक है। कोबाल्ट, और पहले तो कोबाल्ट और निकेल के हिसाब से देख लेते हैं, फिर बाद में हाइड्रोजन की तरफ जाते हैं। अब कोबाल्ट और निकेल, एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल, ये कैसा होता है बच्चों, सेम, लगभग सेम होता है। अब पहले किसको रखने का, कोबाल्ट को रखने का कि निकेल को रखने का, और दोनों झगड़ा नहीं होना चाहिए ना, तो विच वन शुड बी फर्स्ट, तो ये चीज वो अनेबल था एक्सप्लेन करने के लिए, अनेबल टू एक्सप्लेन, है ना। ये चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, अब इसको ले लेते यहां, ये चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद आइसोटोप्स, अनेबल, आप लोग डीप में रीड कर सकते हो, मैं आप लोग को मीनिंग समझा देता हूं, ठीक है। अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ टू प्लेस आइसोटोप्स। अभी देखो आइसोटोप्स को क्यों वो एनेबल था एक्सप्लेन करने के लिए, कि भाई यार आइसोटोप्स जो है, ये जो है इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास डिफरेंट होता है। अब एटॉमिक नंबर सेम, सेम एलिमेंट है ना यार, अब सेम एलिमेंट को क्या करेंगे, एक इसमें रखना पड़ेगा। लेकिन मेंडलेव्स के हिसाब से क्या है, ज़्यादा एटॉमिक नंबर जिसका बड़ा है उसको क्या करेंगे, पीछे रखेंगे, जिसका एटॉमिक मास छोटा है उसको आगे रखेंगे। तो एक एनोमली क्रिएट हो गई, एक एरर क्रिएट हो गया। अब ये एरर सॉल्व कैसे करें, वो भी ये एक्सप्लेन नहीं थे हमारे बाबा जी, मतलब ये उनका डीमेरिट था एक्चुअली, उनके पीरियोडिक टेबल का डीमेरिट था। अब हाइड्रोजन देखो, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना, H2, तो ये नॉन मेटल जैसा है, लेकिन उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज इधर सामने वाले ऐसे मेटल्स की जैसी आती है। देखो अब देख तो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है इसको। हाँ तो देखो अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लेते हैं, हाइड्रोजन केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है बच्चों इसकी, एल्कली के जैसी कभी कभी ये शो करता है। अब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MF मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये इसका H2 है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका H2 है, जो कि नॉन मेटल की जैसी लग रहा है। ना मतलब यार इधर भी उधर भी दोनों, मतलब वो बैट क्रिकेट खेलते हैं ना हम लोग, वो कॉमन होता है, इधर से भी खेलता है उधर से भी खेलता है, ये वैसा हो रहा था। तो हाइड्रोजन को यार रखू कहाँ, मैं मेंडलीव को टेंशन आ गया, अरे कहाँ रखू ऐसा वाला। तो वो क्या करा उसने, ये भी चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और इसी के साथ हमारा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल भी खत्म होता है। कल मैं आप लोग को उसने कौन से एलिमेंट्स प्रेडिक्ट किए थे, कल मतलब नेक्स्ट एपिसोड में अगर देखा जाए तो कौन से एलिमेंट उसने प्रेडिक्ट किए थे और उनकी ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज या फिर प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज और एक्चुअल प्रॉपर्टीज बाद में डिस्कवरी के क्या थी, हम कल वो डिस्कस करेंगे, और कुछ देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के बारे में, है ना।
तो इसीलिए बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।